सुन तुम भी रो रहे हो, आप लोग क्या जानते हैं मेरे पास कोई नहीं है। ये होता है फैमिली, जो खून का रिश्ता तो नहीं है पर दिल का रिश्ता है। चुपा मत जा, बर्थडे है तुम्हारे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी शाम का समय है तो अभी हम ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं और अभी भी ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि बहुत ही खास कोई आया है जो कि हम मिलवाने वाले हैं। इधर है मेरा बेटा सोनू। नमस्ते, कैसे हैं? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना मेरा गाना होता है यही शूट करता है मेरा बेटा, और आपको दिखाते हैं उस बेटे को जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। आज दिखा ही देते हैं, अपने खुद के कैमरे में दिखाएंगे, तो आ जाइए। नमस्कार। तो आप लोग पहचानिए और बताइए कौन है। हमारे राइटर बिट्टू बाबू हैं। आप लोग मतलब समझ सकते हैं, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, जो कि आप लोग देखे होंगे एक वीडियो हमने डाल रखा था और एक स्टेटस भी लगा दिया था। और जिस माँ के पास ऐसे ऐसे बेटे हैं उसे लोग निर्वंशी कहते हैं। की कहा था तू? नवा धर्म फिर के कहा था? छाने दीजिए। अब मम्मी वाला मोबाइल कहाँ बंद हुआ कुल बेटा? पता नहीं, मुझे नहीं कहा पता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि हमारी सिर्फ बेटियां ही नहीं है, बेटे भी हैं, जो कि बड़ा बेटा, छोटा बेटा, एक दीपू बेटा है, आप लोग तो जानते ही हैं। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ना कि खून का रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता है, गलत है दोस्तों, क्योंकि खून का रिश्ता कभी कभी भूल जाता है और जो दिल का रिश्ता है ना वही काम आता है। और मुसीबत में खास करके कभी भी देखिए, दुख में तो लोग आपका हालचाल भी पूछने नहीं आते हैं, ठीक है। सुख में एक गाना चला था, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो ये गाना जो है बहुत, जिस कवि ने लिखा होगा, जिस राइटर ने लिखा होगा, बहुत ही सोच समझ के लिखा होगा। और ये देखिए इमोशनल हो रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तू ऐसी बातें बोल, हम क्या हुआ? हम कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। रियल बात है जो भी बोल रहे हैं, रियल है। देखिए हम समझ सकते हैं आप लोग कि कभी भी देखिए किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत तकलीफ होता, हमें भी बहुत तकलीफ हुआ था। और मैंने इनका वीडियो भी देखा था, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैंने अपने शायद कैमरे में अभी इतना अच्छे से नहीं लाया था इनको, लेकिन आज मैं सोच ली थी कि मैं लाऊंगी, क्योंकि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। बहुत लोगों ने बर्थडे मनाया, केक काटा, सब कुछ किया, हम तो कुछ नहीं कर पाए हैं। और हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास इतना आराम से, मतलब इतना आसानी से आ जाएंगे, हमको नहीं पता था। हमको लग रहा था कि फिर इस बार भी चले जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आते हैं। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इनका घर बिहार है और इनके घर में मान के चलिए 15-20 लोग हैं, खाने वाले और कमाने वाले अकेले हैं। अब बाहर में कलकत्ता में रहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हमको, हम गाना नहीं पहले गाना चाहते थे, यही इंसान है जो हमको फोर्स किए थे कि मतलब भाभी आप गाना गाओ, बस तो हम यार, गाना गाए। रो नहीं, रोइएगा नहीं, देखिए तुम रोना नहीं, मार देंगे, सच में मारेंगे। सुनिए, आज बर्थडे के दिन रोना नहीं है। और आप लोग जो कहते हैं ना, अंधो लूलो लंगड़ो देख लो, हे मेरे बच्चे देखो, ठीक है, दोबारा कुछ मत कहना कि हमारे बेटे नहीं है, हमारी सिर्फ बेटियां हैं, दोबारा मत बोलना, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम केक लाए हुए हैं काटने के लिए, और देखिए हमारा बाबू रो रहे हैं। प्लीज आप लोग ऐसा, प्लीज बाबू चुप, सुन तुम भी रो रहे हो, आप लोग क्या जानते हैं मेरे पास कोई नहीं है। ये होता है फैमिली, जो खून का रिश्ता तो नहीं है पर दिल का रिश्ता है। चुपा मत जा, बर्थडे है यार तुम्हारे, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ा है। तो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा कि हम लोग का जो रिश्ता है ऐसे ही बरकरार रहे। और हमें नहीं चाहिए बेटा, हमें अपने तन से जन्माया हुआ बेटा नहीं चाहिए, हमारे यही बेटे हमारे लिए काफी है। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन कंधे पर ले जाएंगे, मुझे ये भी पता है मुझे, ठीक है। तो आप लोग फिर दोबारा मत कहिएगा कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बेटे नहीं है, मेरी बेटियां भी हैं, तीन बेटी हैं और 3-4 ऐसे बच्चे हैं ना जो मेरे लिए मरते हैं, ठीक है, दोबारा मत बोलिएगा। तो आज खुशी का दिन, हम नहीं चाहते थे रोना रुलाना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में रखने पे वो घाव बन जाता है, जो चोट हो जाता है, जो कि आप थोड़ी थोड़ी खुरेद को उसको दुखाया नहीं जाता है। हमें पता है
कि हम क्या है क्या नहीं है, हमें सब कुछ पता है। तो आइए दोस्तों केक काटते हैं, आ जाइए। चुप हो जाए, पहले चुप हो जाए। 40 दिन कोई रोता है पागल इंसान? आइए, ये तो हमारे खान बना रहे हैं। बाहर हो गए ना, पता नहीं काला गए ना, कुछ लाए गए, कुछ लेने गए का। अभी है घुस जाएगा मोमबत्ती है, फिर के बुलाए हमको, मोमबत्ती धरा के भाग गए। आइए जल्दी, घुस जाएगा, देख रहे हैं बिट्टू का कितना इमोशनल होगा एकदम से। घोषणा तो दोस्तों ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेटा। आई देखिए छन छन आ गई केक खाने, तुरंत आ गई। अरे बाल, अरे अरे बहुत तेज है, देखिए इधर देखिए। रिया भी कैमरा चला रही है, ये रिया कैमरा चला रही है, आप लोग देख सकते हैं। क्यों रिया क्या कर रही हो बेटा? कैमरा चला रही है। तो यहाँ पे ये देखिए केक कटा हुआ है, ये हाँ, ये हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए चाकू यहाँ पे पड़ा हुआ है, इससे अगर केक कटेगा तो बड़ा बड़ा केक कटेगा। यहाँ देखिए ये चाकू का दोस्तों, भैया मतलब मेरे हस्बैंड जो है यही चाकू लेके आए, लेकिन आप लोग तो जानते हैं सीन यहाँ पे क्या होगा। ना चाहते हुए भी हम लोग सब लोग सुनने लोग हैं। नहीं बेटा, गाल पे नहीं लगाना, मजा आ गया, कह रही है मजा आ गया। तो अपना छोटा सा बाइट अपने बेटों को खिलाएंगे अपने हाथों से। और दोस्तों आप लोग बहुत कुछ हम बनाए थे, सच में बनाए थे, जो ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं, मुझे कसम से कह रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं। रिया पापा आपसे बड़ा आपका बेटा है, क्या कहेंगे हाइट में? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पकड़िए, चिंता नहीं कर रहा था। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी भैया, अभी भैया कैमरा चला रहे थे, मछली खाना है, कह रहे मछली खाना है। तो दोस्तों अभी आप लोग भी आइए, केक खा लीजिए, हमारे बच्चे के लिए ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और आप लोग जितना भी सॉन्ग देखते हैं, सारा सॉन्ग इनका लिखा हुआ है। आप लोग हरदम कहते हैं ना, हम पीछे मानी, अब पीछे शूट करने वाले कैमरामैन जो शूट कर रहे हैं वो शूट करते हैं और ये लिखते हैं, और बाकी डायरेक्शन ये करते हैं, एक्टिंग हम करते हैं। तो दोस्तों मैं एक्टिंग भी करता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बिट्टू बाबू जी बाबू का एक चैनल है, बिट्टू बाबू म्यूजिक, जिसपे बहुत ही सुंदर सुंदर गाना आ रहा है। इस समय होली का गाना आ रहा है, पारंपरिक गीत, एक विदाई गीत भी आया था। तो प्लीज आप लोग उस गाने को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और इनका एक ब्लॉग चैनल भी है, राइटर गरीब बॉय। तो प्लीज आप लोग उस चैनल को भी ढेर सारा सपोर्ट प्यार दुलार करिएगा। और फिर दोबारा मत बोलिएगा मुझे कि मैं निर्वंशी, बस यही कहना चाहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि जो एक माँ और एक बच्चे का जो लगाव होता है ना, इसे कहने से नहीं होता। नहीं रोना मत, मम्मी पीछे से पापा पिछली लिया रहे इनको कॉमेडी सूझी हुई है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं क्या ही कहे, बोलेंगे एक गत्ता छेना आया हुआ हमारे घर पे, देखिए देखिए छेना, पहले देख लड्डू है, छेना 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 भी है, लालमोहन भी है, दो मिठाई है। अभी देखिए दोस्तों, बता दे आप लोगों को हमारे घर बहुत लोग आते हैं, मिठाई भी लेके आते हैं, लेकिन कोई गुलाब जामुन नहीं आता है। इधर करो, जो भी लोग अगर छन छन से प्यार करते हैं तो जान लीजिए ये नहीं खाती है, ये वाला खाती है। अगर आइएगा तो ये वाला लेके आइएगा आप लोग। तो हमारे बिट्टू बाबू जान रहे थे उनकी सिस्टर क्या खाती है, तो देखिए आप लोग ये खाती है। तो पहले हम एक एक खिलाते अपने बाबू को। पापा दोस्तों आप लोग भी आइए, खा लीजिए, बोलिए कुछ। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा। कम चोना का पाएगा मेरे बाबू को, कौन लाला कुत्ते मल्ला आने लाइक ब्रो, बाबू कौन मल्ला है। दोस्तों आप लोग देखिए, हम लोग अभी बिट्टू बाबू कल चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएंगे। सच में दोस्तों हम लोग
सोच कर भी करके भी ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते कि थोड़ा एक दिन हम लोग एक साथ में रहे पूरे फैमिली की तरह से नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम भी व्यस्त रहते हैं, इनका भी इतना बड़ा फैमिली है, कमाने वाले एक है, खाने वाले 10-15 लोग हैं, समझ सकते हैं आप लोग, घर में बूढ़ी माँ है, पापा है और भाभी है, भाभी के बच्चे हैं, बहन है, तो आप लोग समझ सकते हैं। एक सिस्टर की शादी अपने खुद किए हैं, अभी जल्दी ही किए हैं, इनका भी शादी लग चुका है और जल्दी होगा, तो इनके शादी में हम जाएंगे घर पे, मतलब बिहार जाएंगे। हम सोचे नहीं थे कभी बिहार जाएंगे, लेकिन अब जाएंगे बिहार, इनके घर जरूर जाएंगे। और आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार, हम भी, तुम भी जाओगी? चलोगी? पक्का चलोगी? ये देखिए खड़े खड़े मिठाई चार को खा गई। मम्मी ठीक ठाक।